ये चीज़ मुझे बहुत मस्त लगता है। एंड अभी तो एप्रिला भी बैठ गया है, सॉरी एप्रिला का मड गार्ड, एप्रिला नहीं। सबसे मेन जो झंझट वाला काम है ये क्लेम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सो हे गाइस वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइस टाइटल थंबनेल देख के पता चलेगा कि आप लोग कि हम लोग आज इस वीडियो में क्या खुराफाती करने वाले। तो हम लोग आज करने वाले इसका मड गार्ड चेंज, जो फ्रंट मड गार्ड है, तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे एप्रिला का मड गार्ड, जो कि बहुत डिमांडेबल है और कहीं पर मिलता नहीं, बहुत मुश्किल होती है मड गार्ड लाने में। तो हम लोग इसमें आज एप्रिला का मड बेचने वाले हैं। एंड ये भी मड गार्ड ठीक है, चलता है, बट हम लोग को कुछ हटके चाहिए। हम लोग को स्टॉक वाला चीज़ पसंद नहीं आता है ना, अपना मतलब अपनी फैमिली को स्टॉक वाला चीज़ पसंद, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। तो आज हम इसको करेंगे एप्रिला के साथ अपग्रेड। तो कैसे अपडेट करेंगे, क्या फिटिंग करने का प्रोसेस है, कैसा क्लेम यूज़ करो, मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको, यहाँ से देखना वीडियो को। सबसे पहले हम लोग को ये ओल्ड जो स्टॉक वाला मटेरियल उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए पहले व्हील निकालना पड़ेगा, फिर नीचे में 10 नंबर का बोल्ट है, 4 या 5 होगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो चलो फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ। बट खोलने का पहले आप मडगार्ड देख लो एप्रिला कैसा है। अपने पास जो एप्रिला का मडगार्ड है यानी ये पूरा फुल्ली फाइबर का है, यानी ये टूटने का चांसेस बहुत कम होता है इसका। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका एक क्रैक हो चुका है, गाड़ी का 3-4 महीने हुआ चल रहा है, थोड़ा सा टच होकर में क्रैक हो गया। तो ये इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, मतलब अप्लाई नहीं होता टूटने का, क्रैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये मतलब फुल्ली फाइबर है, आप ये बहुत स्ट्रेचेबल है, तो इसमें ये लगेगा तो शायद इसमें 4 चांद लग जाएगा। तो गाइस ये मडगार्ड आपको सिर्फ उसके अप्लाई सर्विस सेंटर में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और बार बार मिल भी गया तो शायद प्राइस ज़्यादा रहेगा। एंड इसका प्राइस अराउंड 300-400 में मिल जाएगा आपको। तो इसमें इंस्टॉल करेंगे। एंड गाइस बाहर का साउंड बहुत आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास अभी वो माइक नहीं है जिससे मतलब बाहर का साउंड सुनाया जाए अच्छा। बाद में ट्राई करूँगा दूसरा एक माइक लेने का, जिससे आपको मेरा वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा सुनाया जाए। अभी के लिए माफी चाहूँगा, वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बाहर का साउंड बहुत सुनाया जा रहा है। मुझे पता, मैं जब एडिट करने बैठता हूँ मुझे पता चलता है कि बाहर का नॉइस बहुत ज़्यादा आता है। तो चलो इसको लगाते हैं फटाफट से इंस्टॉल। एंड मैं आपकी दिखाऊंगा आपको इसको क्लेम कैसे बनाना है, तो आपको सामने इंटरव्यू प्रोजेक्ट बताऊँगा क्लेम कैसे बनाना, क्या क्या नटबोल्ट चाहिए। तो चलो पहले ना इसका जो स्टॉक वाला मार्केट उसको रिमूव कर लेते हैं। तो क्या चल, अभी हम लोगों को इसका पहले व्हील रिमूव करना पड़ेगा। व्हील रिमूव करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, जो कैलिपर ब्रेक केबल का 12 मिलीमीटर का बोल्ट है, ये दोनों को लूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लूज़ मतलब क्या, निकाल देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 14 मिलीमीटर, एंड ठीक इसका अपोजिट साइड में 70 मिलीमीटर का वो है नट बोल्ट दिया गया है, जो मेन एक्सल है। यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला, ये सब गंदा को नोटिस मत करो, पहाड़ का हम लोग पहाड़ का गाड़ी है ना, तो ये सब गंदा होते रहता है, बारिश का मौसम चल रहा है। तो इसको रिमूव करके फिर ये 10 नंबर मडगार्ड का नीचे 10 नंबर जो बोल्ट है, 2 बोल्ट से 4 बोल्ट होगा, तो उसको रिमूव कर लेता हूँ। तो फटाफट से आप देखो ये कैसे रिमूव करते, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे देखो आप बोल्ट 10 नंबर का बोल्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 बोल्ट है। ये 5 बोल्ट को खोल लेता हूँ मैं 10 नंबर टी का मदद से। गाइस अभी मैंने इसका मडगार्ड रिमूव कर दिया स्टॉक वाला, तो ऐसा बोल्ट रहता है अंदर में, एंड ये मडगार्ड। तो चलो इसको रखते हैं साइड में अभी। तो अभी एप्रिला का मडगार्ड बैठाते हैं, और क्लेम बनाना पड़ेगा आपको, सामने में क्लेम बनाना कैसे बनाना है, आप लोग भी अगर चाहो तो लगा सकते हो। चलो फटाफट से इसका नया क्लेम बनाने का प्रोसीजर शुरू किया जाए। सो गाइस आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने इसका जो सारा का सारा सेटअप था खोल के फिर मैंने लगा भी दिया, सिर्फ मडगार्ड रिमूव कर दिया। तो अभी एप्रिला का मडगार्ड गया, तो मैं अभी बैठा के बस चेक ही कर रहा था, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, बट इतना हाइट नहीं होगा, इसको हम लोग को नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे टच हो रहा है ना, एप्रिला का जो फोर्क है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, और ये कम ब्रॉड है, तो इसके चलते हम लोग को मडगार्ड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अभी देखिए अंदर नहीं जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, कि साइड में हम लोग हीट मार के इसको थोड़ा अंदर दबा देंगे, या फिर कोई चीज़ से काट देंगे इसको, जैसे कि फ्रीली मडगार्ड पूरा फ्रीली बैठ जाए नीचे, पूरा नीचे तक इसको नीचे तक आ जाए, मैक्सिमम इतना तक आ जाए, तब जाके हम लोग इसका क्लेम बनाएंगे। तो चलो इसमें पहले मैं हीट मार के ये दोनों को साइड से थोड़ा मतलब प्रेस करके इसको अंदर घुसा देता हूँ। अगर जैसे मैं बताया था कि इसको हीट मार के साइड से बैंड करना पड़ेगा, जैसे कि एप्रिला का टी जो तो बहुत ब्रॉड होता है, बट ये लोग का टी ज़्यादा ब्रॉड नहीं आता है,
तो इसके चलते हम लोगों ने हीट मार के काम नहीं हुआ, तो हम लोग को साइड साइड से काटना पड़ा। अभी दोनों तरफ यू शेप में काटा मैंने, ठीक है, ताकि ये अंदर फ्रीली बैठ जाए। आप देखो अभी लुक कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे आप लुक कुछ ऐसा आ रहा है। आप लोगों को एडजस्टमेंट अपने हिसाब से आपको कितना रखना है, आपको एकदम थोड़ा नीचे रखना है या फिर थोड़ा ऊपर रखना है, अपने हिसाब से आप लोग हाइट एडजस्टमेंट करके वो क्लैम को टाइट करना पड़ेगा। और क्लैम बनाने के लिए ना सबसे मेन जो झंझट वाला काम है ये क्लैम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं जो डियो में जो मैं जैसे क्लैम बनाया था वैसे ही क्लैम बनाऊंगा इसमें भी, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसको मैंने स्प्रे मार के ब्लैक करके फिर मैं इसको मतलब क्लैम का शेप दूंगा, जैसे कि साइड से अच्छा रहेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलो पहले इसको ना हम लोग रेडी कर लेते हैं क्लैम का हिसाब से कैसे बनाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैं वो पत्ती को ना काट काट के इस तरह का क्लैम बनाया, लेकिन इसी आप देख सकते हो इस तरह का है, यू शेप में ले गया ना। तो मैं इसको ऐसा इस चीज़ सस्पेंशन में कनेक्ट होगा एंड ये होल में जो अपना मडगार्ड का जो ये होल है इसमें कनेक्ट होगा। इसको लगाने के लिए आपको ऐसा बोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा, नट बोल्ट 10 मिलीमीटर नट बोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा। चलो अब फिट करते हैं इसको मडगार्ड को। सो गाइस, अभी इस क्लैंप पे आप देख सकते हो मैंने ना ये ब्लैक टेप लगा दिया, चारों तरफ उसका ब्लैक टेप लपेट दिया, चारों में ब्लैक टेप लपेट दिया, ताकि अपना सस्पेंशन में जो इसका जो सस्पेंशन सिलेंडर है इसमें स्क्रैच ना हो, क्योंकि ये तो स्टील है ना तो ये स्क्रैच कर सकता है। तो स्क्रैच ना करने के लिए तो मैं इसको प्रोटेक्शन दे दिया, तो ऐसे ही अब भी करना है तो ऐसा कर लेना तो सही रहेगा। चलो इसको फिट करते हैं। अभी हम लोगों ने इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया, जो मडगार्ड एपीलिया का प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। इसके लिए ना मुझे 3 क्लैम का जरूरत पड़ा, 4 क्लैम नहीं लगा। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 क्लैम दिख रहा है आपको, ठीक है, एंड इसका अंदर नट बोल्ट फिक्स कर दिया। एंड सेम थिंग इधर दिखिए, इधर 1 क्लैम लगा है, इधर में नहीं लगा, बस ये खराब लगे ना लगे बोल के यहाँ पे 1 नट बोल्ट ऐसे लगा दिया, बट यहाँ पे 1 क्लैम लगा बिकॉज यहाँ पे कैलिबर का जो है ना ये प्लेट है, तो इसका वजह से यहाँ पे हम लोग ये क्लैम को यूज़ नहीं कर पाए, तो इसलिए 3 क्लैम्प इसको होल्ड कर दिया। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी ये, मतलब सही है, बढ़िया एकदम। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे मडगार्ड अप्रैल का मडगार्ड बैठ चुका है, एंड आप यहाँ पे देखो ये जो पत्ती है ये तो कैलिबर साइड में एक ही पत्ती है, ठीक है, एक ही पत्ती में होल्ड कर, ये तो ऐसे नट लगा के रखा हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एक पत्ती पे, एंड इधर पे दो, इधर 2 पत्ती है ऊपर नीचे, ठीक है, इधर 2 क्लैम्प दिया, एंड ये आप देख सकते हो बहुत हार्ड है, थोड़ा मेरे प्ले हो रहा है, काफ़ी सही है एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब यहाँ पे विंडलेट लगेगा ना, अब यहाँ पे विंडलेट लग जाएगा, R1M वाला विनेट लग जाएगा, उसके बाद वो M का जो दो दो होल रहेगा उसमें फॉकलेट लग जाए तो क्या बवाल लुक, कहर बरस रहा है, मतलब DRL है। अब DRL देख सकते हो क्या सही लग रहा है, अगर देखा नहीं DRL वाला वीडियो तो जरूर से जाके चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है या फिर आई ब्रांड पे आ रहा होगा, अभी जाके चेकआउट करो, ये चीज़ मुझे बहुत मस्त लगता है। एंड अभी तो एप्रिला भी बैठ गया, सॉरी एप्रिला का मडगार्ड, एप्रिला नहीं, ओवरऑल लुक्स कुछ ऐसा है गाइस। तो गाइस आप लोग लगाना चाहते हो ना, आपको सिर्फ दिक्कत आएगा इस क्लेम के लिए, अगर आप बना सकते हो सही है, नहीं तो कहीं से बनवाना पड़ेगा या फिर अगर रेडीमेड कहीं पे मिलता है इस टाइप का क्लेम कुछ इस तरह का, तो आप उसको लेके इंस्टॉल कर सकते हो ऐसे, बट नहीं तो क्लेम बनाने में बहुत दिक्कत आता है, मतलब क्या बोलूँ, हाथ बात सब जल रहा है, मतलब लोहा कहना तो हाथ कट भी जाता है कभी कभार। बाकी आप देखो कैसा लग रहा है गाड़ी, कमेंट जरूर करना, आप लोगों के पास छोटा मोटा आइडियाज़ होगा ना तो मेरे आप शेयर कर सकते हो, तो मैं उसका ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कम बजट में, मतलब ज़्यादा बजट होगा तो मेरा बजट का बाहर हो जाएगा, छोटे मोटे में अभी चला रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा भी थोड़ा हलवा टाइट है बजट का। होप करते हो वीडियो अच्छा लगा आपको और कुछ सीखने को मिला, अगर सीखने को मिल रहा है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं होता तो सब्सक्राइब करना यार, सब्सक्राइब करो तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो कहाँ यार, आप लोगों के लिए तो मैं करता हूँ सब, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यार, तो सपोर्ट करो यार, भाई को सपोर्ट करो, ठीक है, ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मॉडिफिकेशन के साथ आप लोग आइडिया शेयर करना तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी लेंगे अलविदा, क्योंकि अंधेरा होने को आया, जैसे कि हर वीडियो में होता ही है मेरा, तो
अभी रख, अभी लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नए जल्दी वीडियो पे, जल्दी वापस, अभी के लिए बाय बाय। एंड आप लोग को अगर मुझे कुछ हेल्प करना है तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गूगल पे का लिंक दिया रहेगा, तो आप लोगों के हेल्प से मैं कुछ कुछ छोटे मोटे चीज़ों पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, बस वही हेल्प से। तो अभी के लिए बाय बाय।